असलम व्यूवर्स वेलकम बैक टू मेमरीज़ लेन तो आज हम इन दो ब्यूटिफुल अनस्टिच्ड सूट्स को देखेंगे कि ये आफ्टर स्टिचिंग कैसे नज़र आ रहे हैं तो ये सिलकर आ गए थे तो इनको वन बाई वन ओपन करते हैं और इसकी सारी स्टिचिंग की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप उसको कॉपी कर लें इन्हीं आर्टिकल्स को मंगवा के ऐसे ही स्टिच करवाना चाहें तो वैसे भी आप करवा सकते हैं सो so, मैं शेयर कर रही हूँ जी इनकी स्टिचिंग और हमारी दर्जन जो हैं वो बहुत अच्छे से उसको सेमी प्रेस करके भेजती हैं सो ये जी सबसे पहले ट्राउज़र को रिव्यू करते हैं ट्राउज़र जो है इसकी प्लेटिंग करवाई है छः से सात इसके प्लेट्स डलवाएँ और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ कर नेक्स्ट इसका ये जो है स्टाइल कुर्ता स्टाइल स्टिच करवाया इसकी शर्ट का कलर मैंने पहले भी जब इसको ओपन किया था तभी बताया था कि बहुत खूबसूरत है और ये उसके साथ जो हमें एक पट्टी मिली थी वो मैंने दर्जन से कह के ही इसको स्टिच करवाया है उनकी अपनी ही मशीन से यानी बाज़ार से कोई भी स्टिचिंग नहीं हुई इस सूट की सो ये छोटी छोटी सी पाइपिंग हुई हुई है गले पे ऑफ वाइट कलर में और गला बिल्कुल गोल है क्योंकि उसकी आगे एम्ब्रॉयडरी काफ़ी हैवी थी और पूरा एक लुक आ रहा था तो उसमें आगे से ज़्यादा कारीगरी करने का मैंने प्रेफर नहीं किया बात करें इसके स्लीव्स की स्लीव्स पे भी ठीक ठाक हैवी एम्ब्रॉयडरी थी सो तो उसके नैरो बाजू रखने की वजह इसको ब्रॉड बाजू ही रखवाएं ताकि ठीक ठाक खुली डुली आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो नज़र आए सो तो बाज़ों के बाद जो चौक हैं उसके चॉक जो हैं बिल्कुल ही कुर्ता स्टाइल में जितने ही लेंथ के होने चाहिए वैसे हैं सिंपल कुर्ता स्टाइल ये है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्टिच आउट करके भेजा था कैमरे में फ़्लैश ऑन है इस वजह से इसका डार्क रेड कलर नज़र नहीं आ रहा वरना ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वो बहुत ही खूबसूरत रेड था नेक्स्ट आर्टिकल जी ये हमारा सेफ़ायर की तरफ से पिछला रेड जैलबरी का था ये सफ़ायर का है ये बहुत ही खूबसूरती से और इसके सारे जो पैचेस थे जो हमने अनबॉक्स किया जब इसको सारा डिस्कस किया था तो ये पैचेस भी दर्जन ने खुद लगवा के दिए हैं और आ, ये जो बटन्स नज़र आ रहे हैं वो भी सो so, ट्राउज़र बड़ा खूबसूरत उन्होंने सिलाई किया है पैंट स्टाइल है और इसको साइड पे करते हैं इसको ओपन करते हैं आपको याद होगा जब हमने इस सूट को अनबॉक्स किया था तो दो अलग पैचेस थे जो मैंने कहा था कि हम उसको ट्राउज़र पे यूज़ करेंगे तो ये एग्जैक्टली exactly वो वाला पैच यहाँ पे ट्राउज़र पे पूरा लग चुका है और ये मशीन से पैचेस सारे लगे हैं और ये वाला पैच थ्रू आउट सारे ट्राउज़र पे पूरा आ गया था यानी चारों तरफ लग गया था सो so, ये था ट्राउज़र बात करते हैं कुर्ता की और इसको इलास्टिक भी लगवाया करें ये जो लोग यूज़ नहीं करते उनको अनकम्फर्टेबल लगता है तो वो एक अलग चीज़ है बट अगर आप खुद भी स्टिच करवाते हैं तो ट्राउज़र अक्सर लोग वैसे ही स्टिच करवाते हैं इसकी पूरी लुक फाइनल करने के लिए ज़रूर इलास्टिक को भी स्टिच करवाया करें साथ तो ये जी हमारे बॉर्डर के साथ ट्राउजर रेडी और ये मशीन के साथ लगा था और ये देख लें जिसकी डिटेलिंग अब अनफोल्ड करते हैं अपने कुर्ते को कुर्ता बहुत ही ज़बरदस्त बहुत काम होना था इस पर क्योंकि पैचेस लगने थे बटन थे और इसके स्लीव्स का डिज़ाइन था और प्रिंट भी काफ़ी कह लें कि एक ट्रिकी सा प्रिंट था ये तो उस हर चीज़ को मेयरमेंट के साथ दर्जन ने उसको कॉपी किया है जैसे जैसे बताया था वैसे ही ये जी स्लीव्स जो आइकॉनिक उसके स्लीव्स का डिज़ाइन है सो so, स्लीव्स पे भी बटन जो हैं वो काफ़ी इन्स कर रहे हैं स्लीव्स के डिज़ाइन को और गले पे भी तो ये जी सारा पैनल जो भी था पैच ये मशीन से लगा कुछ पाइपिंग की है उन्होंने ग्रे कलर के साथ और सिंपल कुर्ता स्टाइल रखा है बहुत लंबा कुर्ता नहीं है और ये बटन्स भी उन्होंने खुद ही बाय करके उसके साथ अटैच किए थे इन सारी एक्सेसरीज़ की जो कीमत होती है वो ऑब्वियसली स्टिचिंग के साथ ऐड हो जाती है सो ये जी इसकी आउटलुक थी जब आपको मैंने कहा था कि ये जो फ्रंट वाला चकोर हिस्सा है स्क्वायर ये हम फ्रंट पे यूज़ करेंगे तो ये वैसे ही फ्रंट पे यूज़ किया गया है और ये इसकी जो दामन है दामन का डिज़ाइन है ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे ये पैचेस ऑलरेडी प्रिंटेड थे ये डिज़ाइन ये बॉर्डर तो एक और एक्स्ट्रा बॉर्डर भी था तो वो नहीं कहीं पे भी यूज़ किया गया ठीक है तो वो समझ लें आप दर्जन को दे रहे हैं या आप अपना खुद वापस मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं अलग से बॉर्डर भी था जिन्होंने लंबी कमीज़ें रखनी हैं जिनको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए तो वो एक्स्ट्रा भी था तरपाई चोरी की गई है जी चाक पर भी और दामन पर भी वो एक मॉडर्न लुक आती है स्टिचिंग की बाकी बाजू जो हैं इसके खुले बिल्कुल अच्छे नहीं लगने थे क्योंकि डिज़ाइन इस तरह का है तो इसको नैरो बाज़ो ही आप स्टिच करवाइएगा और बटन ज़रूर लगवाइएगा उससे एक प्रॉपर फिनिश्ड लुक आ रही है इसकी तो बाज़ू बहुत ही अप्रोप्रिएट फिटिंग के साथ थे सो बोलने के बगैर ही सारा कुछ डिस्प्ले रहा है कि बहुत ही नफासत के साथ पैचेस भी लगाए गए हैं और बटन्स भी तो ये काफ़ी इसकी एक स्लीव्स की क्रिस्प सी लुक है तो आप भी जब इसको स्टिच करवाएं या कोई भी अगर आपने और स्टिचिंग करवानी है अपने विंटर कलेक्शन की तो बाज़ू जो है उसको नैरो ही रखें क्योंकि ठंड होती है तो ज़्यादा खुले खुले कपड़े प्लाजोज़ और ये इस तरह के अच्छे नहीं लगते देखने में भी अगर आप सिर्फ़ एज ऑडियंस देख रहे हैं तो सो तो एक पैच आपको याद होगा जी एक ट्राउज़र के लिए मैंने रखा था जो कि यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है और एक पैच था जो हमने कहा था कि हम बैक साइड पे लगाएंगे तो ये एक्जैक्टली exactly उसी तरह मशीन से बैक साइड पे लगवाया गया और जिप का कुछ लोग कहते हैं जी आउट ऑफ फैशन हो गया ये वो बट आ, मेरा ओपिनियन ये है कि ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी सो मैं ज़िप का कभी कभी इस्तेमाल ये करती हूँ कुछ इस तरह के ट्रेंडी सूट्स में सो ये जी एक प्रॉपर एक हैवी लुक इसकी स्टिचिंग की बन गई है सूट सिंपल भी सिलाई हो सकता है लेकिन अगर आपने उस पर पैसे काफ़ी लगाए हैं तो ये तकरीबन सात आठ हज़ार का सूट था शॉल के साथ थ्री पीस खदर है सो अगर उसके आप फिर प्रॉपर स्टिचिंग नहीं करवाते उसको पूरा प्रोटोकॉल नहीं देते तो आई थिंक वो थोड़ी सी नाइन साफी हो जाती है सो इसको पूरी कंप्लीट ए टू सी लुक दिया करें सो ये जी इसके पूरी नेक लाइन ये आगे स्लीव्स प्रॉपर बटन्स के साथ स्लीव्स पे पांच बटन आई गेस लगे हैं और गले पे भी पांच से छह बटन्स लगे थे और ये रहा हमारा ट्राउज़र ट्राउज़र भी बहुत खूबसूरत लग रहा था उस पैच के साथ पहले मैंने सोचा था कि ये पैच वैसे ही स्पेयर रख लेते हैं बट इट वाज वर्थ इट अच्छा लग रहा था बैक साइड भी और ये भी सो देखें ये पैचेस आप सामने लगाने के बजाय इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं सो इस जेल्बरी के रेड सूट की स्टिचिंग कैसी लगी आपको और इस फायर की लुक कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में और अगर आपने ये चीज़ बाई की थी तो आपने उसको कैसे स्टिचिंग करवाई सो so, ये जी इसकी हैंगिंग लुक है एक आप इसको एक थोड़ा सा शॉर्ट कट में देख लें थोड़ा सा ये फ्लेयर आ रहा है इसका लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड लुक वाला कुर्ता है ये इसकी जी बैक साइड है बैक साइड पे प्रॉपर फिनिश्ड वाला आपका ये पैच लगा हुआ है मशीन के साथ और ये जिप है इसकी हिडन जिप भी है प्रॉपर आप विजिबल भी लगा सकते हैं इट इज़ अप टू यू कि आप कैसी उसकी चॉइस रखते हैं और ये जी एक पूरी कुर्ते की लुक ये ब्रॉड कुर्ता है ज़रा चौड़ा ये रही हमारे अलबरी के थ्री पीस सूट की इसके साथ लाइट ऑरेंज कलर की शॉल है कदर में है वो और ये भी बड़ा खूबसूरत रेड कलर है जो आपने पिछली इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में देखा होगा नेक्स्ट जी ये जो हमने फ़र्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था तो उसमें ये वाला ग्रे सूट था ये आपने देखा सेफायर का था खदर में थ्री पीस सो ये ग्रे एंड गोल्डन कलर में है गोल्डन इसके पैचेस थे ये अम्मी का चूँकि सूट था तो इसलिए इसके ऊपर पॉकेट्स नहीं लगवाई उन्होंने साथ शलवार सिंपल स्टिच करवाई है और ये इसकी लुक थी और ये पैच लगने के बाद और भी ज़्यादा हसीन लग रहा था क्योंकि ये ग्रे एंड गोल्डन बहुत खूबसूरत एक कंट्रास था सो ये भी इसके पीछे भी शर्ट के पीछे भी एक हिडन जिप ग्रे कलर की लगवाई है और इसके ये जो पैचेस थे छोटे से एक लेस टाइप ये भी मशीन से लगे हैं गला भी मशीन से आगे टिच बटन यूज़ हुए हैं तो ये जिस स्लीव्स के आगे हमने लगाए थे बॉर्डर के ऊपर ही ठीक है तो ये आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो दामन पे लगा सकते हैं टोटली आपकी अपनी चॉइस है बात करें बोनस की तो मेरी दर्जन साथ मुझे ये इस तरह से मास्क भी सिलाई कर देती हैं जो कि कपड़ा बच जाता है आपकी दर्जन कैसे करती है आपके साथ सलूक ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा हाफिज